बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोलकाता से खबर है और जहां पर थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी बैठक शुरू होगी। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव इस बैठक में शामिल होंगे और पार्टी के तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की जाएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करने वाले हैं। नंदा जी, आज बैठक होने जा रही है कोलकाता में, बैठक का क्या मकसद है आखिर? हमें पहली बार बैठक नहीं हुआ, पांच बार बैठक हो चुका, ये छठा बैठक कोलकाता में है। क्यों, ये पार्टी का सिद्धांत है ये बैठक कोलकाता में होगा, अगले बैठक मध्य प्रदेश में होगा। क्या क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको लेकर आप लोग चर्चा करने वाले हैं? चर्चा है, पार्टी का संगठन के लिए चर्चा है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव है इसके लिए चर्चा होगा, रणनीति तैयार होगा, हम लोग क्या करेंगे, मजबूत से पार्टी को बनाएंगे और उत्तर प्रदेश से भाजपा को सफाया करने के लिए संगठन को कैसे हम लोग मजबूत बनाएंगे, इस सब बारे में चर्चा होगा। जातिगत जनगणना और पिछड़ों के अधिकार की बात अखिलेश यादव करते हैं लगातार, उत्तर प्रदेश में आवाज उठाते रहते हैं पिछड़ों का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो क्या वो मुद्दे होंगे अहम जो 2024 में जनता के बीच में लेकर जाएंगे आप? ये मुद्दा तो हम लोग का है, ये मुद्दा अखिलेश जी उठाया, इसके बारे में हम लोग का चर्चा चल रहा है, चर्चा चलेगा। वो जो हम लोग का डिमांड है वो डिमांड हम लोग को रहेगा ही। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कोलकाता। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी कोलकाता से सीमा नकवी जुड़ गए हैं। सीमा, बैठक शुरू होने वाली है, कितना वक्त रह गया है, क्योंकि 10 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था बैठक शुरू होने का, क्या इस वक्त की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही है? देखिए, बैठक अब चंद लम्हात की देरी में शुरू होने जा रही है। तमाम नेता यहां पर पहुंच चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और इसके अलावा शिवपाल यादव और तमाम नेता इसी होटल में रुके हुए थे, वो सब के सब यहां पर पहुंच चुके हैं। किरणमय नंदा भी अभी थोड़ी देर पहले यहां पर आए थे, अब वो वापस गए हैं अखिलेश यादव के पास, अखिलेश यादव के साथ वो यहाँ पर लौटेंगे। तो यानी कि बैठक जो है वो शुरू होने में बहुत देर नहीं है, 10 बजे का वक्त दिया गया था और इसी होटल में, जिस होटल के बाहर हम खड़े हैं वहीं JW मैरियट में ये बैठक होनी है और यहाँ से अब उसके बाद फिर तैयारी की जाएगी कि समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में किस तरह से आगे जाएगी, किस तरह के मुद्दे होंगे, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। आज अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो कि अलग अलग अपनी राय रखेंगे अखिलेश यादव के सामने और उसी से मुद्दे बनाए जाएंगे कि कौन सा मुद्दा अहम होगा जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे आए, समाजवादी पार्टी तेजी के साथ बढ़े, तो इन सब मुद्दों को लेकर आज चर्चा होगी और उसके बाद फिर शाम में इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेकर आज यहाँ पर चर्चा होगी। खबर पर आप नजर बनाकर रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से